अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बात की थी राइटिंग पे, नहीं तहरीर को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। I'm just gonna touch one step. Okay, first of all, look at it. Love. And traditions. I just want to tell you कि हम जब इंग्लिश हैंडराइटिंग लिख रहे होते हैं तो उसमें हमने दो से तीन चीजें भी फॉलो की। एक तो आपको स्ट्रक्चर मैंने दिया था, ये स्ट्रक्चर जहां जहां मैंने फॉलो किया है ये मैं आपको बताऊंगा। यहां मैंने इसको फॉलो किया, यहां पर फॉलो किया है, इस जगह पे फॉलो किया, इस जगह पे फॉलो किया, इस जगह फॉलो किया, इस जगह फॉलो किया, इस जगह फॉलो किया। तो इस तरह से आप ये देखें कि मैंने जो पहला स्ट्रक्चर था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 प्लेसेस पे स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया। इस तरीके से मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था, ये जो ई आपको बनाना है जो कि करता है आपकी राइटिंग स्पीड भी और आपके बैलेंस है आपको पूरी जो है वो जहां जहां मैंने वहां पर किया। ठीक है, अब साथ ही आज मैं क्या करूंगा, एक जुमला यहां पर मैं उर्दू में तहरीर करूंगा, पहचान हो गया हम उर्दू की राइटिंग कैसे करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा। हम अपने शहर कराची से प्यार करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने उर्दू में यहाँ पे एक जुमला लिखा। अब फर्क क्या बता रहा हूँ कि जब मैं इंग्लिश की हैंड राइटिंग लिखूंगा तो इंग्लिश की राइटिंग जो है वो आगे आगे जा रही होती है और मैं पीछे ही रहता हूँ। ठीक है, और जब मैं उर्दू की राइटिंग लिखूंगा तो उर्दू की राइटिंग मुझसे आगे होगी और मैं पीछे हूँ, दोनों सूरतों में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अंग्रेजी यानी इंग्लिश में राइटिंग मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, उर्दू में राइटिंग मेरी अपनी डायरेक्शन में आ रही होती है। तो ये जब तक आप अपने पोस्चर को बैठ कर लिखते वक्त इस तरह की मश्क नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती।